खंडवा के नौकार नगर में इन दिनों प्राकृतिक तरीके से शरीर शुद्धि का अनुष्ठान किया जा रहा है। मधुराष्टकम परमार्थ सेवा समिति के सहयोग से अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में 5 दिनी शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ 2 मार्च को किया गया। 7 मार्च तक चलने वाले इस शिविर में शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकालने हेतु जल, पानी, हवा, मिट्टी, अग्नि से चिकित्सा की जा रही है। प्राकृतिक प्रशिक्षक सचिन आचार्य ने बताया कि दैनिक जीवन में खान पान गड़बड़ होने से भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि भोजन सड़ता है, जिससे शरीर के अंदर की गंदगी जमा होने पर टॉक्सिन बनने से लोग बीमार हो रहे हैं। इस शिविर में बिना दवाई और बिना औषधियों के सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। यह चिकित्सा दर्द रहित, औषधि रहित है। नौकार नगर स्थित गार्डन में आयोजित प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए साधकों पर विभिन्न प्रयोग आजमाए जा रहे हैं। उन्हें मिट्टी का लेप लगाया गया, नेति क्रिया, वमन, कटी स्नान, सूर्य वाष्प, एनिमा सहित अन्य तरह की चिकित्सा कराई गई। इस चिकित्सा के बाद साधकों ने कहा कि इससे वे तरोताजा महसूस कर रहे हैं। शिविर में संपदा पाटिल ने अग्निहोत्र चिकित्सा कराई। प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सचिन पाटिल ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण शंख प्रक्षालन क्रिया कराई गई। पाटिल ने बताया, प्राकृतिक चिकित्सा शरीर के अंदर के विजातीय द्रव्य मतलब गंदगी को निकालने की क्रिया है। शंख प्रक्षालन से शरीर की गंदगी को निकाला जाता है। इसके बाद योग निंद्रा आहार चिकित्सा की गई। मधुराष्टकम परमार्थ सेवा समिति के प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय संतोष जी चतुर्वेदी एवं अध्यक्ष अजय लाड़ ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में आचार्य सचिन पाटिल व संपदा पाटिल के मार्गदर्शन में प्राकृतिक उपचार किया जा रहा है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में नगरवासी ले रहे हैं। मात्र 5 दिनों के उपचार में मोटापा, कब्ज, गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा, मधुमेह, जोड़ों का दर्द, सवाइकल, अनिद्रा, तनाव जैसी बीमारियों से राहत मिलती है, तो वहीं 3 से 5 किलो वजन भी कम होता है।